हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 में हमने इस बात को समझा कि हमारे पास मैथमेटिक्स में दो किस्म के नंबर्स हैं। एक को हम कहते हैं रियल नंबर्स और एक हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर हम उन तमाम नंबर्स को कहते हैं जो हम अपनी रूटीन स्टडीज में पढ़ते हैं, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव हो, अपॉन में नंबर आ जाए, जीरो है, पॉइंट में कोई नंबर हमारे सामने आ जाए, रूट में कोई वैल्यू हमारे सामने आ जाए, ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स। और जब हमारे पास नंबर्स के साथ हम आयोटा को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें तो फिर ये रियल नंबर्स नहीं रहते बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। और हम लास्ट क्लास में इस बात को समझ चुके हैं कि वो तमाम नंबर्स जिनके साथ आयोटा को इन्वॉल्व कर दिया जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और वो नंबर जिनमें आयोटा ना हो उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं और इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कल की क्लास में हम इस बात को समझ चुके हैं, कल की क्लास में हम इस बात को समझ चुके हैं कि आया किसी नंबर के साथ आयोटा क्यों इन्वॉल्व होता है या किसी नंबर के साथ आयोटा किस वजह से अप्लाई हो जाता है। आज की क्लास में हमारे पास जो हेडिंग है वो है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाने से पहले इस बात को समझ लें कि जब हम 3x में 2x को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये बन जाता है 5x। अगर आपसे कहा जाए कि 3x में 2y को आप ऐड करें तो हम 3x में 2y को ऐड नहीं कर सकते, इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी रियल नंबर्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं या रियल नंबर से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम रियल नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं या रियल नंबर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा नंबर फाइंड आउट होता है जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर स्लाइड पर ये तमाम बातें लिखी हुई आ जाए, मैं इससे पहले इसको जरा रेस कर रहा हूं यहां से ताकि आप इसको इजीली समझ सकें।
लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये कहती है कि व्हेन अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इन्हें हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। व्हेन अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब हम किसी रियल नंबर के साथ किसी इमेजिनरी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द एक्सपेंशन सो फॉर्म, तो हमें एक ऐसा एक्सपेंशन मिलता है विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय z। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, when a real number and an imaginary number are added or subtracted, the expansion so formed, which cannot be simplified, is called complex number, it is denoted by z। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको समझाई जा रही है, जैसा कि कल की क्लास में हम ये बात समझ चुके हैं कि हमारे पास दो किस्म के नंबर हैं, एक रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर जिनमें आयोटा नहीं होता, और कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा मौजूद होता है। कहा ये जा रहा है जब किसी रियल नंबर में जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, या रियल नंबर से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास एक नया नंबर बन जाता है। तो ये जो नया नंबर आपके सामने बन गया, इस नए नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटे किससे डिनोट किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है। और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास बनती है, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास जो बनती है वो है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। टेस्ट के बारे में मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि जो टेस्ट है वो एक्सरसाइज 4.1 का है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम किसी रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंशन बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसे जेड से डिनोट किया जाता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट बनते हैं, एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा ना हो, और जिसके साथ आयोटा हो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल से बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। z is equal to 2 plus 5 iota, z is equal to 2 plus 5 iota में दो पार्ट है हमारे पास, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो भाई यहाँ जो रियल पार्ट हमारे पास होगा वो क्या है, रियल पार्ट बेटे यहाँ पे 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर जो आयोटा के साथ वैल्यू है वो 5। एक और एग्जांपल को समझते हैं कि अगर आपके पास है z इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा, तो यहाँ जो रियल पार्ट हमें मिलेगा, रियल पार्ट हमारा यहाँ पे 4 है, और बेटे इमेजिनरी पार्ट जो है वो
माइनस 7 है। इस तरह से इस स्लाइड पर हमने इस बात को समझा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम किसी रियल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक ऐसा नंबर है जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट बनते हैं, एक इसका रियल पार्ट है बेटे और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। तमाम स्टूडेंट्स को आई होप की बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि रियल नंबर्स वो है जिनके साथ आयोटा नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर वो है जिनके साथ आयोटा मौजूद है। किसी नंबर के साथ आयोटा कैसे इन्वॉल्व होता है कल की क्लास में हम इस बात पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि जब किसी रियल नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया नंबर हमारे पास बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा ना हो उसे रियल पार्ट कहते हैं और जिसके साथ आयोटा हो उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं और अब हम देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड किस तरीके से या किस मेथड पर करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं जा रहा हूं और तमाम स्टूडेंट्स ने इसको नोट डाउन कर लिया है। फैज कुछ कहना चाह रहे हैं? फैज कहते हैं सर सब समझ में आ गया, बस डेफिनेशन समझ। भाई ये डेफिनेशन नहीं है, असल में ये एक एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन नहीं कहेंगे हम इसका, एक्सप्लेनेशन कहेंगे। यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि कह रहा है जब रियल नंबर व्हेन अ रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है एंड इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर, कह रहा है जब आप इसे ऐड करते हैं यानी कि जब आप इसको प्लस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि जब आप इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ही नंबर आता है, एक ऐसा एक्सपेंशन आता है विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, जिसे सॉल्व नहीं कर सकते। यानी 2 में हम 5 आयोटा को ऐड नहीं कर सकते। इस नए नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म ये बनती है ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा। ये पहला नंबर है, ये वो नंबर है जिसके साथ आयोटा है, ये पहला नंबर है जो आयोटा के बगैर है, ये दूसरा नंबर जिसके साथ आयोटा मौजूद है। यहाँ पर जिसके साथ आयोटा ना हो उसे हम रियल पार्ट कहते हैं और जिसके साथ आयोटा हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर, नेक्स्ट स्लाइड में ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे जी आपके पास, हम इस बात को समझते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरीके से किया जाएगा। If Z1 is equal to 2 plus 3 iota और Z2 is equal to 3 plus 5 iota,
z1 plus z2. Now in solution, z1 plus z2, first complex number 2 plus 3 iota, और z2 second complex number हमने लिखा. Addition कैसे होगी? जैसे हम algebra में addition होती है, x में x को add करेंगे, y में y को add करेंगे, यही बात यहां पर भी है. जो आयोटा के बगैर वैल्यूज हैं वो आपस में ऐड होंगी, यानी रियल में रियल पार्ट ऐड होगा और जो इमेजिनरी है उसमें इमेजिनरी पार्ट को हम ऐड करेंगे. तो 2 प्लस 3 बन गया 5 और 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा बन गया 8 आयोटा. बहुत ही आसान, रियल में रियल को ऐड कर लिया और इमेजिनरी में हमने इमेजिनरी को ऐड कर दिया. फर्स्ट एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दी है, सेकंड एग्जांपल को आप सॉल्व करकर इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे. फर्स्ट एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दी है, सेकंड एग्जांपल को आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप मुझे बताएं. z1 is equal to 5 plus 2 iota, z2 is equal to 7 minus 5 iota. z1 का मतलब है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 का मतलब है यहां पर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है. नाउ इन सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे सबसे पहला काम z1 plus z2 लिखेंगे, 5 plus 2 iota plus 7 minus 5 iota. तो second example का answer आपके पास क्या है आप मुझे बताएं. Second example का answer आपके पास क्या है आप मुझे बताएं. Second example का answer फाइव में हम 7 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 12 और माइनस 5 आयोटा में से 2 आयोटा को निकाल देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 12 माइनस 3 आयोटा. जी हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर आपने बताया, 12 माइनस 3 आयोटा. तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को समझा कि रियल में रियल वैल्यू को ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करना है. एडिशन के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हमारी जो हेडिंग आ रही है वो है सब्ट्रैक्शन. एडिशन के बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो बनेगी उसमें हम सब्ट्रैक्शन को समझेंगे और सब्ट्रैक्शन का मेथड भी यही मेथड होगा जो हमारे पास एडिशन का मेथड है. टेस्ट के लिए मैं बता चुका हूं चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 है. सब्ट्रैक्शन के लिए z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, z2 is equal to 2 minus 5 iota. Now in solution, z1 minus z2. z1 minus z2 में चूंकि negative sign है इसलिए हम यहां पर z2 को bracket में लाजमी तौर पर लिखेंगे, क्योंकि ये जो negative sign है ये first value से भी multiply होगा और फिर ये negative sign सेकेंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो 4 प्लस 2 आयोटा सेम एज इट इज, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 5. 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आयोटा में 2 आयोटा को जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा. 2 plus 7 iota,
ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व किया है, सेकंड एग्जांपल को आप खुद सॉल्व करेंगे, सेकंड एग्जांपल को आप खुद से सॉल्व करकर मुझे इसका आंसर बताएं, सेकंड एग्जांपल को आप सॉल्व करकर इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। Z1 माइनस Z2 में क्या करना है जी, 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 5, नेगेटिव साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 3 माइनस 2 आयोटा और माइनस 4 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 आयोटा में से 2 आयोटा को निकाल दिया तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो है माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, ये हमारा रिजल्ट है सेकंड एग्जांपल के लिए। आई होप के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का मेथड भी बिल्कुल सेम मेथड है, तो रियल में रियल को ऐड करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड किया जाता है। आई होप के एडिशन भी समझ में आ गई है और सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जब मूव करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में Z1 को जब आप Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मेथड ये है कि 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होकर 2 4 जार 8 बनेगा, फिर 2 आगे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 आयोटा लिखा जाएगा, उसके बाद 3 आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 12 आयोटा बनेगा और फिर 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर बनेगा। 8 का 8 सेम एज इट इज लिखेंगे, 12 आयोटा में से 2 आयोटा को निकाल दिया तो ये 10 आयोटा आपके पास बन जाएगा। कल की क्लास में इस बात को समझ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 लाजमी तौर पर लिखा जाएगा, 8 प्लस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 8 में 3 को ऐड करेंगे 11 प्लस 10 आयोटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहां पर बन जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 माइनस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 8 प्लस 10 आयोटा प्लस 3, नाउ द रिक्वायर्ड आंसर इज 11 प्लस 10 आयोटा। ये आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट एग्जांपल का, उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड एग्जांपल को मेथड सेकंड एग्जांपल के लिए भी यही है कि आपने पहले दो मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन वही मल्टीप्लिकेशन है जो हम आम तौर पर अपने क्वेश्चंस वगैरह में अप्लाई भी करते हैं। तो जेड वन मल्टीप्लाई बाय जेड टू, फर्स्ट एग्जांपल को मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड एग्जांपल को आप खुद से सॉल्व करकर इसका आंसर आप मुझे बताएं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दी है, सेकंड एग्जांपल को आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर आप मुझे बताएं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आगे
टू आयोटा के साथ, फिर नाइन आयोटा फाइव के साथ, और फिर ये टू आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए। टेन प्लस फोर आयोटा माइनस 45 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर, प्लस का 10 सेम एज इट इज लिखा जाएगा, 10 सेम एज इट इज रहेगा। 45 आयोटा में से 4 आयोटा को माइनस कर दिया जाए तो माइनस 41 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लिखना मत भूलिएगा। फिर आप माइनस माइनस प्लस 18 और फिर 10 माइनस 41 आयोटा, 10 में 18 को ऐड करेंगे, ये बन गया 28 माइनस 41 आयोटा। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड एग्जांपल के लिए। इस तरीके से आपने फर्स्ट एग्जांपल को कंप्लीट किया मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड एग्जांपल को भी कंप्लीट किया हमने मल्टीप्लिकेशन। एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन समझ गए, और अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें हम डिवीजन की तरफ चले जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन की यहां पर हमने दो एग्जांपल्स को समझा। भाई ये एग्जांपल अलग है, ये सेकंड एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स भी अलग अलग है। इसका आंसर है 28 माइनस 41 आयोटा, क्योंकि 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होके 10, 2 टू जार 4 आयोटा, फिर 9 5 से 45, 9 आयोटा 2 से माइनस 18 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 18 और 10 28 माइनस 41 आयोटा। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों एग्जांपल्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ रही है डिवीजन। डिवीजन में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किस मेथड से करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड किस मेथड से होगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि Z1 को Z2 से कैसे डिवाइड किया जाए, कि 2 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम 2 को 5 से और 9 को 2 से डिवाइड कर दें, ये रॉन्ग मेथड होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मेथड ये है कि जिस तरह से आप मैट्रिक क्लास में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.8 में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है 1/2 प्लस √3, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, यानी नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यही रैशनलाइजेशन का जो मेथड है वो हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी अप्लाई करते हैं। यहाँ मेथड ये होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर कर ये मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया और नीचे आपने इसको डिवाइड भी किया। अब आपके पास होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, एक बनेगा 2 प्लस 9 आयोटा का ब्रैकेट और एक ब्रैकेट बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा का ब्रैकेट बन जाएगा। ये दो ब्रैकेट बन गए ऊपर और दो ब्रैकेट नीचे बन गए 5 माइनस 2 आयोटा और फिर 5 प्लस 2 आयोटा।
दो ब्रैकेट ऊपर बन गए, दो ब्रैकेट नीचे बन गए। अब आपने करना यह है कि ये जो ब्रैकेट्स ऊपर है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है जो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड पर एग्जाम्पल में समझा है। यानी यहाँ पर ये जो 2 है इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 10 आपके पास आ जाएगा, और फिर 2 को आगे 2 आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 आयोटा, फिर हम 9 आयोटा को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 45 आयोटा, फिर 9 आयोटा को 2 आयोटा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी, और a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। मैट्रिक क्लास में भी ऐसे ही होता है, a माइनस बी का मतलब a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जहां जहां पे 10 है 10 का 10 लिखेंगे, 45 आयोटा में 4 आयोटा को ऐड कर दिया तो ये बन गया 49 आयोटा, 18 का 18 लिखेंगे बेटे, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे, नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4 बन जाएगा, आई पे आएगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, 10 का 10 सेम एज इट इज ही रहेगा, प्लस का 49 आयोटा आपके पास सेम एज इट इज ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 18 ही हो जाएगा, नीचे 25 सेम एज इट इज ही रहेगा, माइनस का 4 सेम एज इट इज ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 से रिप्लेस कर लिया, ऊपर आपके पास ही बन गया 10 प्लस 18, 10 में 18 को ऐड करेंगे तो ये 28 बन जाएगा, और 49 आयोटा आपके पास सेम एज इट इज ही रहेगा, नीचे माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस के 4 में 25 को जब ऐड करेंगे तो नीचे 29 बन जाएगा। इस 28 के नीचे 29 को अलग कर देंगे और 49 के नीचे 29 को अलग कर दिया जाएगा और आयोटा भी रहेगा। माइनस 18 माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस तो बिल्कुल ठीक है जी, माइनस 18 यहाँ पे आना चाहिए, और माइनस 18 अगर आपके पास आ रहा है तो ये माइनस 18, 18 में से 10 को निकाल दें तो फिर ये माइनस 8 आपके पास बन जाएगा, माइनस 8, ये माइनस 8 और यहां भी माइनस 8 आ जाए, माइनस 8 और माइनस 8 अपॉन 29 आपके पास। अब मैं अगेन इसका सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि आप एक दफा से फिर से इसको समझ लें। ये अरेस्ट किया मैंने खुद से, और स्लाइड का सॉल्यूशन देखेंगे कि आपने क्या किया कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर आपके पास दो ब्रैकेट बन गए, नीचे भी आपके पास दो ब्रैकेट बन गए। जब ऊपर और नीचे दो ब्रैकेट आपके पास बन गए तो फिर हमने क्या किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 2 आयोटा के साथ, फिर 9 आयोटा को 5 के साथ, और फिर 18 आयोटा। इसका डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया था
तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर नहीं लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला। और फिर हमने यहाँ पे जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह पे माइनस 1 लिखकर सिंप्लीफाई किया और रिजल्ट आ गया माइनस 8 अपॉन 29 प्लस 49 अपॉन 29 आयोटा। तो इस तरह से हमने डिवीजन पर एक एग्जांपल को कंप्लीट कर लिया, सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो इसी डिवीजन के टॉपिक पर जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, और फिर उसी पर ही हम आज की क्लास को ऑफ भी कर दें। सेकंड एग्जांपल की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में, सेकेंड एग्जाम्पल डिवीजन के टॉपिक पर सेकेंड एग्जाम्पल लिया। ये सेकेंड एग्जाम्पल आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको भी आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है, यानी आपने इसे रैशनलाइज करना है, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो लेकिन आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 से हम कुछ और पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे, और इसी चैप्टर 2 में जो कि हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टॉपिक है, इसके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।